नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ आज फिर एक नए वीडियो के साथ में। आज हम बात करेंगे, बहुत सारे पीएफ एम्प्लॉई या पीएफ मेंबर्स इस परेशानी का सामना करते हैं जो पीएफ केवाईसी के नाम से जानी जाती है। आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो या कर रहे थे, पीएफ में बैंक केवाईसी या पैन केवाईसी एम्प्लॉय साइट से पेंडिंग दिखाती है। इस समस्या से बचने का सबसे जो आसान तरीका है वो तरीका यह है कि आपकी कंपनी में जो भी पीएफ का काम देख रहा है, जैसे अकाउंटेंट हो सकता है, एचआर हो सकता है या कोई पीएफ कंसल्टेंट हो सकता है, उससे आप ऑन कॉल या बाई फेस मिलकर इसके बारे में बात कर सकते हो। उनको बोल सकते हो कि भाई मेरी पीएफ केवाईसी है, जो बैंक केवाईसी है वो पेंडिंग आ रही है एम्प्लॉय साइड से, उसको आप अप्रूव कर दो। कहना बता सकते हो कि घर पे कोई मेरी इमरजेंसी है तो उस चक्कर से पेमेंट की ज़रूरत है, तो आप केवाईसी को जल्द से जल्द अप्रूव करें, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो। इतने के बाद में भी अगर आपका एम्प्लॉयर या जो कंसल्टेंट है आपके बार बार कहने से, या आपकी कंपनी में आप बार बार जा रहे हो, चक्कर लगा रहे हो, उसके बावजूद भी आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपकी केवाईसी अप्रूव नहीं कर रहा है, तो इसके लिए जो दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है वो दूसरा मैं तरीका बताने जा रहा हूँ, जिससे आपकी केवाईसी अप्रूव हो जाएगी, जो सेकंड वाला तरीका है। ये बढ़े उससे पहले हमेशा की तरह, दोस्तों मैं हूँ मनीष सेवलिया और हमारे चैनल का नाम है जेएमडी कंसल्टेंसी। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके ही काम के इसी प्रकार के वीडियो और तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये जो स्टेटस पेंडिंग आ रहा है इसके लिए अपन ने बार बार एम्प्लॉयर को बोल दिया, वहाँ भी जाके भी आ गए, उसके बाद में एम्प्लॉयर अपनी एक भी सुनाई नहीं कर रहा है। तो जो मैं ऑप्शन बताने वाला हूँ उस पर अपन जाएंगे। तो सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र, मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स या क्रोम ब्राउज़र, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लो और वहाँ पे ब्राउज़र में जाके यहाँ पे EPF IGMS के नाम से सर्च करो। EPF IGMS तो सर्च करने के बाद में जैसे अपन सर्च करेंगे, सर्च करते ही यहाँ पे जो ऊपर ही ऊपर जो पोर्टल खुल के आ रहा है अपने पास में, ये EPF IGMS होम, यहाँ पे जो इसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, तो ये वाला है, उसको अपन ओपन करेंगे। ओपन करेंगे, ओपन करते ही कुछ सेकंड्स का टाइम लगेगा, और कुछ सेकंड्स का टाइम लगते ही उसके बाद में देखो यहाँ पे अपने पास में होम, रजिस्टर ग्रीवेंस, सेंड रिमाइंडर, व्यू स्टेटस और अपलोड ग्रीवेंस डॉक्यूमेंट। तो अपने को यहाँ पे जो ग्रीवेंस रजिस्टर वाला ऑप्शन आ रहा है, जो ग्रीवेंस रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, अपने को उस पर क्लिक करना है। अपन उस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही अपने पास में ये बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ रहे हैं। आप क्या हो इनमें से, जैसे पीएफ मेंबर हो तो पीएफ मेंबर, अभी फिलहाल में पीएफ मेंबर हो तो पीएफ मेंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे इसको टिक कर दिया। टिक करते ही ये पूछ रहा है डू यू हैव क्लेम आईडी, यानी कि आपने कोई क्लेम लगा रखा है तो उसकी कोई आईडी वगैरह है। तो यहाँ पे सिंपल सा इसको नो करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपने अभी क्लेम नहीं लगाया, क्योंकि आपकी अभी केवाईसी ही पेंडिंग चल रही है। तो नो पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यानी कि यहाँ पे आपके यूएन नंबर आ जाएंगे। फिर उसके बाद में जो सिक्योरिटी कोड है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको आप दूसरा भी चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे यूएन नंबर और ये सिक्योरिटी कोड डाल के आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे गेट डिटेल पे क्लिक कर देंगे। गेट डिटेल पे क्लिक करते ही यहाँ पे अकाउंट यूएन नंबर आ गए, ईमेल एड्रेस है तो ईमेल एड्रेस आ जाएगा, आपके मोबाइल नंबर के लास्ट के 3 डिजिट दिखा रहा है, तो गेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ये ओटीपी डालना होता है, जो ओटीपी डाल के जैसे सबमिट करेंगे, ये ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली, इसको सिंपली अपन ओके पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो जेंडर आ रहा है, अगर आप मेल हो तो मेल कर दो, फीमेल हो तो फीमेल हो, अदरवाइज ट्रांसजेंडर वगैरह बाकी जो भी कुछ हो वो यहाँ पे टिक करके आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पे मेल, फिर उसके बाद में एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, जो भी आपका फुल एड्रेस है वो डालना होता है, एरिया पिन कोड डालना होता है, यहाँ पे कंट्री इंडिया सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका स्टेट है, बिहार, बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जो भी आपका स्टेट है वो अपन यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद में अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर आता है, अगर आप कोई दूसरा मोबाइल नंबर देना चाहो तो दे सकते हो। उसके बाद में सिक्योरिटी कोड आ जाता है, वो सिक्योरिटी कोड अपन डालेंगे। तो मैं एक बार फटाफट इनको भर देता हूँ, फिर आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपके जो भी प्रेजेंट कंपनी है, यानी कि प्रेजेंट कंपनी की आप शिकायत कर रहे हो, क्योंकि केवाईसी जो प्रेजेंट कंपनी के पास में ही जाती है, तो यहाँ पे अपने मेंबर आईडी सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी अपनी मेंबर आईडी, जो भी पीएफ नंबर रहेगा, किस पीएफ नंबर के अगेंस्ट आप कंप्लेंट कर रहे हो, मैं सिंपली सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे एक पॉपअप खुल के आएगा, तो इसमें ग्रीवेंस रिलेटेड टू, कि आप पीएफ ऑफिस के खिलाफ डाल रहे हो या एम्प्लॉयर के खिलाफ या ईडीएलआई प्री पेंशन, तो अपन एम्प्लॉयर के खिलाफ ग्रीवेंस रजिस्टर कर रहे हैं यहाँ पे,
तो सिंपल सी जो एम्प्लॉयर है उसको अपन टिक कर देंगे। एम्प्लॉयर को टिक करने के बाद में ग्रीवेंस कैटेगरी, तो इस बॉक्स में खोल के देखेंगे, नीचे नीचे अपने को KYC रिलेटेड इश्यू ऑफ सब्सक्राइबर परसेनिंग एम्प्लॉयर, यानी कि जो KYC से रिलेटेड कोई इश्यू है आपके जो कि एम्प्लॉयर से संबंधित है तो उस पर अपन टिक कर देंगे। अब यहाँ पे ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन, यानी कि शुरू से लेके जो लास्ट तक एंड तक जो आपने कार्य किया, यानी कि एम्प्लॉयर के पास में कब कब गए, कब KYC डाली थी आपने, कब वो बैंक से अप्रूव हुई, उसके बाद में आपने एम्प्लॉयर को कितनी बार फ़ोन किया, कब कब उनके पास में जाके आए और एम्प्लॉयर ने क्या क्या जवाब दिया, वो सारी डिटेल हिंदी इंग्लिश जैसे भी आपकी मर्ज़ी है, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है उसमें देना चाहो वैसे वैसे अपन लिख के लिख देंगे यहाँ पे एक एप्लीकेशन के जैसे, पूरी जानकारी के साथ में पूरा वर्णन करना है। उसके बाद में अपलोड डॉक्यूमेंट इफ एनी, तो जो जहाँ पे मैं अभी आपको दिखा रहा था कि ये वाला जो स्क्रीनशॉट है उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको PDF, इस स्क्रीनशॉट की PDF बना के यहाँ पे अपन अपलोड कर देंगे और उसको अटैच पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देंगे। अब ऐड पे क्लिक करने के बाद में अपन जैसे ही सबमिट करेंगे तो अपनी जो ग्रीवेंस है, जो अपनी कंप्लेंट है, जो अपनी शिकायत है, वो कंप्लेंट रजिस्टर। अच्छी लगी है कि वीडियो को लाइक और अपने अन्य दोस्तों के साथ में शेयर करना नहीं भूले, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप ही के काम की कोई नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।